कर दूंगा, पैसे लेने आता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और आज काफी दिनों के बाद मैं अपने ब्लॉग पे, लगातार व्यस्तता चल रही है लेकिन आज निकलना है और अभी हम लोग चल रहे हैं आगे और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने लाइफ को व्यतीत कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा भवन हम आ चुके हैं। अभी हरियाणा भवन में थोड़ा देर काम है हमें। पहले हम हरियाणा भवन रुकेंगे, हमारे कुछ मित्र हैं उनसे मिलना है, उसके बाद फिर आगे हम निकलेंगे जहां हमें जाना है। अचानक ये प्लान बन गया वृंदावन जाने का। काफ़ी समय हो गया था वृंदावन नहीं गए थे, तो अभी हम निकल गए। ये हमारी छोटी सी गाड़ी है और इससे हम वृंदावन की तरफ रास्ते पे, हाईवे पे हैं और शाम तक वृंदावन पहुंचेंगे। तो चलिए, वृंदावन बहुत समय हो गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, तो वृंदावन चले। अभी हम रुक गए हैं छल्ली खाने के लिए। नहीं है छल्ली? बढ़िया है ना? ठीक है, बॉइल करते हो क्या? देखो ये दोनों छल्ली खाए थे। छल्ली खाओ, चले छल्ली खा लेते हैं। छल्ली ले लिया है, छल्ली अच्छा है, यहाँ के लोगों भी पसंद है, इसलिए हमने भी कहा कि छल्ली पहले खा लिया जाए फिर वृंदावन। रास्ते में है, खा रहे हैं, भूख लग रही थी। तेरी बात करो कि इतने बहुत अच्छे कर्म करे। वृंदावन अब हम पहुंच चुके हैं और ये जमुना एक्सप्रेसवे से नीचे उतर के अब हम मार्केट होते हुए सीधा मंदिर चलेंगे, वृंदावन बांके बिहारी जी का मंदिर। तो आइए चलते हैं, पहले मंदिर में दर्शन करेंगे। जा रहे हैं भांडीरवन जहाँ राधा और कृष्ण की शादी हुई है। अच्छा। उसके साथ साथ बगल में ही एक बंसी भट्ट है जहाँ भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और अच्छा। आज भी वृक्ष के अंदर कान लगाने से आपको बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ेगी। और अच्छा। एक जगह है मानसरोवर जहाँ शरद पूर्णिमा के दिन सारी गोपियां जब भगवान कृष्ण के साथ महारास कर रही थी तब शंकर जी वृंदावन आए थे, भोलेनाथ भोले बाबा, तो उनको देखकर भगवान कृष्ण ने
उनको गोपेश्वर, गोपेश्वर का अर्थ जो सर्वश्रेष्ठ गोपी, उसे सर्व गोपेश्वर कहा जाता है। अच्छा, तो ये नाम सुनकर राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठ गई और यहाँ यमुना पार आकर रोने लगी। उसको हमारे यहाँ मान करना कहते हैं, रूठने को मान करना कहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने अपने नेत्रों से यहाँ एक कुंड का निर्माण किया। अच्छा। उस जगह का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर, हाँ। अच्छा। तो उस जगह राधा रानी ने, और उसके ठीक सामने आप जाएंगे तो एक बेलवन है जहाँ लक्ष्मी माता का मंदिर है। आज भी भगवान कृष्ण का द्वापर के बाद आज तक माता रानी यहाँ पर उनका इंतजार कर रही है। उस जगह का नाम है बेलवन। और माँ हर साल दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में यहाँ जो गुरुवार पड़ते हैं उन दिन यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है माता लक्ष्मी को, और उसको लगाने से हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। माता रानी से प्रार्थना है कि अपने सभी भक्तों के ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। राधा रानी हर भक्त को अपने चरणों से लगाए रखें। जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ब्रजभूमि की जय। यमुना महारानी की जय। गिरिराज धरन की जय। सभी ब्रजवासियों की जय। सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वन सौ वन नहीं और नंद गाम सौ गाम, बंसी वट सौ वट नहीं और कृष्ण नाम सौ नाम। एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका, तीन बार त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट और नौ बार नासिक, बारह बार बद्रीनाथ हो आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ जगन्नाथ रामेश्वरम चौजा घुमाओगे, होंगे प्रत्यक्ष यहाँ शाम दर्शन श्याम सुंदर के, वृंदावन सो आनंद कहीं नहीं पाओगे। शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और हम वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन से अभी निकल रहे हैं मठ की तरफ, और मठ में थोड़ा सा एक आश्रम जाना है, वहाँ से घूम करके फिर वापस वृंदावन। बिल्कुल पास में ही है, 5-7 किलोमीटर दूर है मठ। ये सब वृंदावन के आसपास के जगह हैं। और आगे राधा रानी मंदिर है, जो महाराज जी के साथ मैं हूँ, और हम लोग वृंदावन में आज रात रहेंगे और उसके बाद हम चलेंगे कई जगहों पर। सड़क पे लोग काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं और ये शाम हो चुका है। ये हमारी बड़ी प्यारी सी गाड़ी है लाल रंग की, और इसी गाड़ी से हम आज दिल्ली से आए हैं। बड़ा ही सुंदर लगता है छोटी सी गाड़ी, हमारी सोमिया को पसंद है ऐसी लाल गाड़ी। चांद मेरा है, मैं इसको हाथ में लेके दिखाऊं तो बात है। अच्छा, तो अभी हम बंसीवट आ चुके हैं और बंसीवट में ये गांव के लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल ही ब्रज की जो ये भूमि है सबसे अलग है। तो अभी दिन है तो कुछ और हम लोग घूम लेते हैं। बंसीवट में मिल रहे हैं गोलगप्पे, तो गोलगप्पे को भी खा लिया जाए, थोड़ा चेक कर लिया जाए यहाँ का टेस्ट। अच्छा बताइए, क्या बना तुझे? तो अब हम चल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन, और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की हैं, और इसी वृंदावन के रमन रेती में राधा और कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर बना है। और इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर के बांके बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इस मंदिर से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है, जो कि एक बड़ा इतिहास है। और बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे।
और आपको बता दूं कि स्वामी हरिदास भगवान भक्त के कृष्ण थे, वे निधि वन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। और एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आँखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। और मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास ने शुरुआत में तो बाके बिहारी जी की निधि वन में ही सेवा की, फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। और आज वही मंदिर ये बाके बिहारी जी का मंदिर है। तो हम पहुंच चुके हैं बाके बिहारी जी के मंदिर में, आइए अंदर देखते हैं कितना भीड़ है और दर्शन भी करते हैं। वैसे तो दर्शन कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ मंदिर के अंदर और भीड़ का दर्शन करवा सकता हूँ। भगवान जी की मूर्ति के पास कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो आइए चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और बांके बिहारी जी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं और दर्शन करते हैं। बिहारी जी के मंदिर हम आ गए हैं वृंदावन में और अब हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं। जय तो मंदिर से निकलने के बाद अब हम चल रहे हैं गोवर्धन चौराहा, जहाँ पे भी काफ़ी अच्छा दूध मिलता है और हमें वो दूध पिलाने के लिए हमारे दोस्त लेके जा रहे हैं। और वो दूध, ये हाईवे है, हाईवे से मतलब हम निकले हैं वृंदावन से मथुरा के लिए जो कि 10 किलोमीटर है, तो हाईवे होते हुए और ये इतना बड़ा ट्रक पता नहीं क्यों पूरे रोड को जाम किए हुए हैं। और ऐसे होते हुए हम निकलेंगे गोवर्धन चौराहा मथुरा, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे हमें हमारे दोस्त कहते हैं कि दूध बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मिलता है। यही बात हम सोच रहे हैं, ये बात ही बल और यही बात तुमने कही आगे। हाँ सर जी, डिमांड भैया बनाते हैं तो सारी छोटो छोटो तो ले गए। अच्छा तुमने, वाह लाइक दे दो छोटो। हाँ यार ऐसी क्या बात है, मुझे तो भैया मलाई कटवानी पड़ेंगी। 9:30 बजे पे 4 बजे लगा है वो
9:30 कभी की बत्ती नहीं तो बचे थोड़ी आदम तक कभी कभी की बात है मंदिर में ये भजन हो रहा था तो ये मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है तो आप लोगों के लिए सुनिए ये 4 मिनट का भजन है और ये बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करिए।